Dear student, today I am discuss about metal on metal part 8 chapter 3. In this lecture we cover about alloy, what is alloy, properties of alloy and uses of alloy. Alloy को हम मिश्र धातु कहते हैं student. Alloy क्या है? पहले मैं इसकी definition बताऊंगा. अलॉय एक होमोजेनियस मिक्सर है जो कि दो मेटल से या तीन मेटल से मिलके बना हुआ है. होमोजेनियस मिक्सर का मतलब होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन. इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि हम पानी के अंदर नमक डालते हैं तो मिक्स होने के पश्चात बराबर बराबर मात्रा में उसका टेस्ट मिलता है हमें, ऊपर से भी वही, पीने से नीचे से भी वही, एक जैसी कंपोजिशन. तो हम कह सकते हैं अलॉय जो है वो आपका होमोजीनियस मिक्सर है जो बना हुआ है टू आवर मोर मेटल. होमोजीनियस मिक्सर है जो कि दो मेटल से, या हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट, दो से अधिक मेटल से मिलके बना हुआ है. ऐसे नहीं बनता आपका अलॉय मेटल से. प्रोसेस है, कोई भी आपकी मेटल होगी, दो मेटल होंगी या दो मेटल एक नॉन मेटल होगी, उसको हम हीटिंग से उसको मेल्ट करेंगे. मेल्ट करने के बाद में वो लिक्विड स्टेट के अंदर आपकी मेटल आएगी और अब उन दोनों मेटल को हम मिक्स कर लेंगे. दो मेटल हैं या दो एक दो मेटल हैं एक नॉन मेटल है तो उनको हम मिक्स कर लेंगे. हीटिंग करने के पश्चात प्रोसेस हमारा यहाँ पर हीटिंग लगा. हीटिंग करने से मेटल आपकी मेल्टिंग कंडीशन में चली जाती है. जो मेल्टिंग कंडीशन में चली जाती है मेटल, उसको हम एकदम हम उसकी कूलिंग करते हैं. हीटिंग करने से मेटल मेल्ट हो जाती है और उसके बाद में हम करते हैं कूलिंग. ऐसे कूलिंग करते हैं. अब मेरा कहने का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर ये है कि हम हीट करके उसको मेल्ट कर रहे हैं और साथ साथ उसको मिक्सिंग कर रहे हैं. ऐसे ग्लास रोड से हम उसको मिक्स भी कर रहे हैं. तो अब दो मेटल हैं या तीन मेटल हैं या दो मेटल एक नॉन मेटल है, वो बराबर बराबर प्रत्येक पार्ट में सेम कंपोजिशन के साथ पाई जाती है. तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर. तो स्टूडेंट ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि जैसे हमने कोई भी आपको अलॉय बनाया है तो उसमें हमें कितना मेटल लेना है, कितना हमें नॉन मेटल लेना है, कितना परसेंट, ये स्टैंडर्ड प्रोपोर्शनल है. ये रिक्वायर्ड जो आपकी अमाउंट रहेगी रिक्वायर्ड प्रोपोर्शनल में हम लेते हैं. जैसे हम यहाँ पर ब्रास एक आपकी अलॉय है, ब्रोंज आपकी अलॉय है, तो उसमें हम 60-40 कॉपर जिंक लेते हैं, कॉपर टिन लेते हैं. तो कितना परसेंटेज आपको मेटल लेना है और कितना परसेंट आपको नॉन मेटल या दूसरी मेटल लेनी है, तो ये स्टैंडर्ड प्रोसेस के हिसाब से आपका प्रोग्राम है, ये आपकी टेक्निक है. तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि अलॉय एक होमोजेनियस मिक्सर है जो कि दो मेटल या दो से अधिक मेटल से मिलकर बना हुआ होता है. प्रोसीजर यही रहेगा, हम जो मेटल होंगी उनको हम मेल्ट करेंगे लिक्विड स्टेट में. मेटल यहाँ पर दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, उसके बाद में उसको मिक्स करेंगे. हमने प्रोसेस हीटिंग अप्लाई किया है, उसके बाद में कूलिंग किया है और वो आपका मिक्सर बन जाता है. ओके, अब यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल बताते हैं आपको. जैसे आपका पॉपुलर एग्जाम्पल है अलॉय का ब्रास, ये आपके बड़े पॉपुलर एग्जाम्पल है, रूटीन में यूज करते हैं हम इनको. इनके बर्तन बनते हैं, ये सिक्के बनते थे पुराने समय में. शोल्डर है, एक आपका सबसे महत्वपूर्ण है अमल गम, अलॉय ऑफ ए गोल्ड. गोल्ड भी तो आपका दो फॉर्म में आता है, 24 कैरेट गोल्ड है, 22 करेट गोल्ड है. तो मेरा कहने का मतलब है ये जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस के अंदर यदि हम ब्रास की बात करें तो ब्रास के अंदर कॉपर के साथ जिंक पाई जाती है. ये 80% कॉपर होता है और ये 20% होता है. अब इन दोनों के मिश्रण से जो आपकी अलॉय बनेगी तो उसको हम बोलते हैं ब्रास. क्या बोलते हैं? ब्रास. ऐसे ही हमारा
ब्रास है, ब्रोंज है, इनका कंपोजिशन है, ये हमारी सारी की सारी अलॉय है, ठीक है। तो अब देखिए अलॉय बनाने की आवश्यकता क्यों थी स्टूडेंट, हमें एक स्टोरी सुनिए कि पहले देखिए हमें मेटल की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करना था, उनकी डक्टिलिटी को बढ़ाना था, मेलेबिलिटी को, उनका रेजिस्टेंस जो कोर्जन के प्रति है उसको इम्प्रूव करना था, हमें मिल्टिंग बॉलिंग पॉइंट को कम ज़्यादा करना था। तो उन प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए, मेटल की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए हमें अलॉय बनाई है। क्या बनाई है? अलॉय, इम्प्रूव करने के लिए, ओके। दूसरा लॉजिक स्टूडेंट ये है इसके अंदर, कैसे इम्प्रूव हुई वो प्रॉपर्टी, वो देखिए आप। हम यहाँ पर जानते हैं कि एल्यूमिनियम मेटल बिल्कुल हल्की होती है, हार्ड नहीं होती। हमने उसके अंदर है उसका अलॉय बना लिया जिससे कि वो हार्ड हो चुकी है। ऐसे ही एल्यूमिनियम मेटल लाइट है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है स्टूडेंट। उसके अंदर हमने उस एल्यूमिनियम मेटल का हमने अलॉय बना लिया जो कि जिससे वो स्ट्रॉन्ग भी हो चुकी है, और उसका हम यूज करते हैं अलग अलग जगह पर। देखिए एल्यूमिनियम मेटल जो होती है ये लाइट है, क्या है ये? लाइट। स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है ये मेटल, स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन हमने इसको स्ट्रॉन्ग बना दिया क्योंकि अलॉय जो है मेटल की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव करता है। देखिए इस अलॉय के अंदर इसमें हमने मैग्नीशियम मिक्स कर दिया, मैग्नीज मिक्स कर दिया, और इसमें हमने डाल दिया कॉपर। देखिए एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और आपका ये मैग्नीज, हमने इतनी मेटल मिक्स कर दी, अलॉय बना दी। ये तो सिंगल मेटल थी, ये हमारी अलॉय है। तो ये लाइट थी, स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अब एल्यूमिनियम का जो अलॉय है वो लाइट के साथ साथ स्ट्रॉन्ग नेचर भी रखता है, स्ट्रॉन्ग नेचर भी रखता है। तो कहीं ना कहीं हमने प्रॉपर्टी को इम्प्रूव किया है स्टूडेंट। ऐसे ही देखिए आपकी एल्यूमिनियम लाइट है, हार्ड नहीं है, ये मेटल आपकी हार्ड भी नहीं है, लेकिन हमने एल्यूमिनियम के साथ मैग्नीशियम मिक्स कर दिया तो वो मेटल लाइट के साथ साथ हमारी हार्ड भी बन जाती है। क्या बन जाती है? हार्ड, हार्ड भी बन जाती है। तो ये हम इनका यूज़ करते हैं स्पेसिफिक, एल्यूमिनियम जो अलॉय हैं ये कहीं पर हमें हार्ड नेचर चाहिए, कहीं पर हमें स्ट्रॉन्ग नेचर चाहिए। स्पेस एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं, कुछ घर का प्रेशर कुकर यूटेंसिल ये बनाते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर अलग अलग एयरक्राफ्ट बॉडीज जो आपकी प्लेन होती हैं, जो वार में यूज़ की जाती हैं, एयरक्राफ्ट बॉडी जो होती है एल्यूमिनियम की बनी होती है, हम बहुत ही लाइट मेटल है, ओके। यदि हार्ड होगी तो स्पेस में ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा और ज़्यादा ऑयल का कंजप्शन होगा। तो मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हम प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करते हैं अलॉय बनाते समय। ऐसे ही आपके पास स्टील है स्टूडेंट, स्टील है, स्टील है, एक होता है आपके पास स्टेनलेस स्टील, एक स्टील है, दूसरा है स्टेनलेस स्टील। तो स्टील कैसे बनता है? दोनों आयरन से अलॉय हैं, आयरन के अलॉय हैं। यदि आयरन के साथ हमारा कार्बन होता है 1% के अराउंड, आयरन के साथ हमारा कार्बन है, इनका अमाउंट फिक्स है, स्टैंडर्ड है इनका अमाउंट, ओके। तो आयरन के साथ कार्बन है तो स्टील की फॉर्मेशन हो जाती है, और आयरन के साथ क्रोमियम और निकिल है मेटल तो आपका बन जाता है स्टेनलेस स्टील, एंटी कोरोसिव नेचर, जंग नहीं लगेगा इसके ऊपर, क्योंकि क्रोमियम जो है एंटी कोरोसिव मेटल है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर मेटल की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर दिया दूसरी मेटल को मिला के, या हम ये कह सकते हैं मेटल को अलॉय बना के हमने उसकी प्रॉपर्टी को स्टूडेंट इम्प्रूव कर दिया। इसके बाद में स्टूडेंट आती है प्रॉपर्टी ऑफ ए अलॉय।
प्रॉपर्टीज ऑफ अलॉय। अलॉय का हम कंपेरिजन करेंगे मेटल के साथ। प्रॉपर्टीज ऑफ अलॉय कैसी प्रॉपर्टीज हैं? देखिए स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है। अलॉय स्ट्रोंगर होती हैं मेटल की बजाय, ठीक है। आप ये लिख सकते हो कि अभी मैंने एग्जांपल बताया था स्ट्रोंगर देन मेटल, स्ट्रोंगर देन मेटल। जिस मेटल से बनती है अलॉय, जिस मेटल से बनती है अलॉय, दो मेटल से बनी है लेकिन मेटल से वो ज़्यादा स्ट्रोंग है, हम उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर इम्प्रूव कर रहे हैं, तो हमें कहीं पर ज़्यादा स्ट्रोंग, जहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है तो हम अलॉय बना लेते हैं। इस बात को ये समझिए आप, जहाँ पर हमें हार्डनेस, ज़्यादा हार्ड नेचर का हमें कोई सब्सटेंस चाहिए तो हम उसको अलॉय बना लेते हैं। अलॉय आर द हार्डर देन द कॉन्स्टिट्यूटेड मेटल्स, यानी कि अलॉय आपकी हार्डन होती हैं देन द कॉन्स्टिट्यूट मेटल्स। मेटल्स जो आपकी होती है, मेटल जो आपकी होती है उससे वे हार्ड होती है, ठीक है। मिल्टिंग पॉइंट, लो मिल्टिंग पॉइंट पाया जाता है, मेटल का मिल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। लो कंडक्टिविटी, उनमें करंट कम पास होता है, मेटल में तो झटके से करंट पास हो जाता है, ओके। कंडक्टिविटी ज़्यादा पाई जाती है किसके अंदर, मेटल के अंदर। अलॉय के अंदर कम कनेक्टिविटी पाई जाती है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए अलॉय। नेक्स्ट, अलॉय जो होते हैं उनको जंग नहीं लगता, दे आर मोर रेसिस्टेंट टू कोरोजंस, जंग रोधक होती हैं कोरोजंस। क्यों बेटे? देखिए मैंने बताया था आयरन के साथ क्रोमियम प्लस में निकिल मिला लिया, इस अलॉय को जंग लगेगा ही नहीं, क्योंकि क्रोमियम क्या है, एंटी कोरोसिव है। क्रोमियम क्या है बेटा, एंटी कोरोसिव। दिस इज द अलॉय नोन एज ए स्टेनलेस स्टील, नोन एज ए स्टेनलेस स्टील। आगे देखिए स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर कुछ अलॉय के एग्जांपल लेंगे जो बेनिफिशियल हैं, यानी कि यूज भी पढ़ेंगे साथ साथ। प्रॉपर्टी हमने बता दी आपको, क्या प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, यूजेज ऑफ ए अलॉय। ध्यान से समझे स्टूडेंट, यूजेज ऑफ ए अलॉय। मैंने आपको बताया था ब्रास, ब्रोंज, ठीक है, शोल्डर, अमलगम, ठीक है, अलॉय ऑफ ए गोल्ड। देखिए पहले इनका हिसाब करते हैं, कॉपर प्लस में जिंक, कॉपर प्लस में टिन, लेड प्लस में टिन, अमलगम में मरकरी होगा और दूसरी कोई मेटल होगी। मरकरी के मेटल को ही अमलगम के नाम से स्टूडेंट हमें जानते हैं, मरकरी के मेटल को ही हमें जानते हैं, ठीक है। अगला देखिए, इसमें मैंने आपको बताया था कि कॉपर प्लस जिंक से बनता है आपका ब्रास। ब्रास का यूज करते हैं हम, ब्रास का हम स्पेसिफिक यूज करते हैं, जैसे हम बताएं तो क्वाइन बनाने के लिए, यूटेंसिल बनाने के लिए, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, वेसल बनाने के लिए। ब्रोंज का यूज करते हैं हम यहाँ पर कोई टफ कोरोसिव रेजिस्टेंट सब्सटेंस बनाने के लिए, क्वाइन बनाने के लिए, मेटल बनाने के लिए ब्रोंज का यूज करते हैं, ठीक है। ये यूटेंसिल में काम आते हैं, कांसा पीतल इनको हम नाम से जानते हैं, कांसे की थाली बनती है, तो आप यूटेंसिल बता सकते हो, आप क्वाइन बता सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा, 50% लेड रहेगा और 50% टिन रहेगा। किस केस में? शोल्डर के केस में। किस केस में? शोल्डर के केस में दोनों 50-50% की अमाउंट रहेगी, और इस अमाउंट के अंदर आप समझे कि शोल्डर अलॉय बन जाती है। और शोल्डर का यूज होता है इलेक्ट्रिक वायर के कनेक्शन को जोड़ने के लिए, टू ज्वाइन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल वायर कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल वायर कनेक्शन इन रेडियो टीवी।
इन रेडियो टीवी। रेडियो के अंदर बेटा ये सोल्डर होता है ना, इसको मेल्ट करते हैं, दो तारों को जोड़ देते हैं, ज्वाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, शॉर्टकट में लिख सकते हो टू ज्वाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इन टीवी इन रेडियो। ओके, अब बात आती है आपकी अमलगम की। मैंने बता दिया मरकरी के साथ आप ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, तो आपका बन जाता है अमलगम। अमलगम जो है मरकरी का अलॉय है, मरकरी मेटल मिलेगी उसके अंदर, डेंटल फिलिंग में यूज होता है स्टूडेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है अमलगम जो है, इनका यूज हम कर लेते हैं। मरकरी के साथ सिल्वर हो सकती है, टिन हो सकती है, जिंक हो सकती है। इट इज़ यूज बाय डेंटिस्ट फॉर फिलिंग ऑफ ए टीथ, डेंटिस्ट यूज करता है, डेंटिस्ट फॉर फिलिंग ऑफ टीथ, दांतों को फिल करने के लिए, कैविटी से बचाने के लिए डेंटिस्ट यूज करता है। अब लास्ट रह गया बेटा आपका अलॉय ऑफ ए गोल्ड, अलॉय ऑफ ए गोल्ड, ये पेपर में आता है गोल्ड का भी, 22 कैरेट गोल्ड और 24 कैरेट गोल्ड में क्या डिफरेंस है। बेटा 24 कैरेट जो गोल्ड होता है वो सॉफ्ट होता है, उसकी ज्वेलरी और ऑर्नामेंट नहीं बन सकती, प्योर गोल्ड होता है वो। देखिए अलॉय ऑफ ए गोल्ड, AU से लिखते हैं बेटा, इसका सिंबल ये है, AG से सिल्वर को लिखते हैं। दो वैरायटी में उपलब्ध हैं, 24 कैरेट गोल्ड है हमारे पास जिसका नेचर कैसा है, सॉफ्ट है, जिसका नेचर है सॉफ्ट, सॉफ्ट है, ज्वेलरी बनाने के काम नहीं आता, ज्वेलरी बनाने के काम नहीं आता, डो नॉट मेक द ज्वेलरी है ऑर्नामेंट, आभूषण नहीं बनाने के काम आता स्टूडेंट, प्योर गोल्ड होता है, इसे हम प्योर गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, प्योर गोल्ड। जो 22 कैरेट गोल्ड होता है उसके अंदर हम चांदी मिला लेते हैं या फिर उसमें हम कॉपर मिला देते हैं, ठीक है। अब देखिए चांदी कॉपर मिलने से गोल्ड ये था AU गोल्ड था ही, तो ये अलॉय बन गई हमारी, बात वही है, और ये इसका नेचर हो गया हार्ड। मैंने बताया था अलॉय बनाने का पर्पज ये है कि आप हार्डनेस को पैदा कर रहे हो, स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो, आप किसी सब्सटेंस को एंटी कोरोसिव बना रहे हो, पर्पज सारे वही है हमारे, शॉर्ट आउट हो गया। तो देखिए ये हार्ड बन जाता है और इसकी हम बनाते हैं ज्वेलरी, ओके याद रखना भाई, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने ये पढ़ लिया यहाँ पर अलॉय क्या है, ठीक है अलॉय क्या है और जो है इसका क्या प्रॉपर्टी है, क्या डेफिनेशन है। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, गोल्ड से महंगी मेटल है प्लेटिनम, प्लेटिनम जो है गोल्ड से महंगी मेटल है, इसकी ज्वेलरी बनती है और इसकी शाइनिंग होती है, ज़्यादा लंबे समय तक शाइनिंग करती है, क्योंकि ये एंटी कोरोसिव नेचर की मेटल है, जंग नहीं लगता, दे कैन नॉट रिएक्ट विद द एटमोस्फेरिक गैसेस। ये छोटी सी बात ये भी है बेटा, हमने गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया, प्लेटिनम ले लिया, घर के अंदर जो ज्वेलरी होती है इन्हीं की बनती है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, क्यों हम इनकी ज्वेलरी बनाते हैं। ये बेटा जितनी भी एटमोस्फेरिक गैसें होती है उनके साथ रिएक्ट नहीं करती, इनके ऊपर कोरोजन नहीं लगता, इनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर नहीं बनती, इनकी शाइनिंग लंबे समय तक रहती है, ये आपके बॉडी के पार्ट के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो काफ़ी लॉजिक बनते हैं इसके, ठीक है ना। ये आपकी जो मेटल हैं ये डू नॉट रिएक्ट विद एटमोस्फेरिक गैसेस एंड डज नॉट फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड कार्बोनेट लेयर ऑन देयर सरफेस। प्लेटिनम, क्या बताया मैंने, प्लेटिनम, तो प्लेटिनम एंटी कोरोसिव है, लंबे समय तक इसकी शाइनिंग रहती है। तो स्टूडेंट हमने ये पढ़ लिया कि अलॉय क्या है, कोरोजन के बारे में मैंने लेक्चर 1 के अंदर स्टडी करवा रखा है, वहाँ से आप करें, जो चैप्टर नंबर 1 है आपका केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, वहाँ से स्टडी करें, लास्ट लेक्चर में कोरोजन और एंसिडिटी साथ साथ है। तो केमिस्ट्री के आपके 4 टॉपिक पूरे हो चुके हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जो अगला लेक्चर होगा हमारा, इसमें पहला लेक्चर होगा, ठीक है। तो आप इसको स्टडी करें, ओके स्टूडेंट, टेक केयर, स्टडी करें।